नेक्स्ट है आपका लेस मेकर फार्मूला। अब बोर्ड के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो इसमें बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसको लेंस मेकर, लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं, या और आपको कहेगा 1/f म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, 1/r1 - 1/r2, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर कोई हम लोग देखिए एक्चुअली कन्वेक्स लेंस लेके ही प्रूफ करते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी लेंस के लिए वैलिड होगा ये समझना। मान लीजिए मीडियम यहाँ मी वन है, इधर भी मी वन है, मीडियम में जो रखा हुआ और इसका आपका म्यू टू, तो फिर हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लें और ये यहाँ से रे चलेगा और देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका आई बन गया। लेकिन इसको अगर आप बढ़ाएंगे आगे तो लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम दूसरे सर्फेस के लिए करेंगे आई वन, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, यही से मेजर करेंगे वो डेस करते, ये आपका यू हो गया, ये आपका V हो गया, इसको V1 मान लें, ये देखिए ये इस तरह जा रहा है, देखिए इस तरह ऐसे रिफ्रेक्शन हो रहा है और एक रे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो कट करेगा इमेज बनाएगा। तो देखिए देखिए हम लोग को जो पहले पढ़े थे रिफ्रेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस उसका प्रयोग करेंगे, फार्मूला यही था म्यू टू बाई वी μ1/u μ2 - μ1/r, इसी फार्मूला को आपको लगाना है दो बार। तो ये सरफेस वन देखिए यहाँ पर अलग अलग मान लेते हैं, ये r1 है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका r2, क्योंकि दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, दोनों को हम डिफरेंट मान लेते हैं। तो पहला सरफेस को कट करिए, ये आपका हो गया, तो ये आपका इस तरह है और ये आपका i1 है, पहले इंटरमीडिएट इमेज है यहाँ पर, फाइनल तो बनेगा इसके थ्रू। तो यहाँ पर ये आपका U है, मीडियम इधर V1 है और ये आपका μ2 है, क्योंकि इस रे को तो μ2 ही फील होगा और ये आपका V1 है। अब इस फार्मूला को लगाइए, इस फार्मूला को लिखना है, देखिए तो μ2 है जस्ट पहला तो सेम ही रहेगा आपका, ये V1 हो जाए और μ1 भी सेम था -μ1/u और ये हो जाएगा आपका μ2 - μ1/r1। ये अब दूसरे सरफेस के लिए आते हैं, दूसरे सरफेस के लिए तो ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगी I1, क्योंकि दूसरा जो है यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये फाइनल हो गया आपका इस तरह है, ये आपका V और ये आपका V1, ये μ2 था, ये V1। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट देखिए अब फाइनल इमेज तो क्या होगा, μ1/V। देखिए ये जो V है वो मीडियम क्या है, V है, μ1 है, यहाँ पर जो जो फाइनल इमेज बन रहा है वो तो हो गया आपका V और वो किसमें है, μ1 में। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए आप देखिए ध्यान से, जो पहला वाला कंडीशन है जो इंटरमीडिएट, देखिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये किस कौन वाले लेंगे, μ2, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये μ2 है, क्योंकि हम लोग डॉटेड से आगे बढ़ा देते हैं तो μ2/V1, ये देखिए। अब यहाँ सेम उसी तरह घटा के लेकिन μ1 - μ2/r2 दूसरे सरफेस के लिए। तो देखिए इसमें ध्यान रखेंगे, बड़ा बच्चे उलझ जाते हैं तो ये ध्यान रखना आपको कैसे यूज करेंगे इसी को दो बार, पहला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरा में थोड़ा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की जगह है उसको ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए, ये कट जाएगा, देखिए μ1 को कॉमन ले लिया, एक ही बार में μ1 1/V - 1/V, ये V है और ये हो जाएगा आपका μ2 - μ1,
और इधर हो जाएगा 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा स्पेस लेते हैं हम लोग, तो देखिए ये 1/, अब लेंस फार्मूला आप जानते हैं 1/v - 1/u = 1/a, तो क्या हो जाएगा μ1 n2, इसका वैल्यू ले कितना हो जाएगा 1/a, μ2 - μ1 और यहाँ इसको घेर दीजिए 1/r1 - 1/r2, यहाँ तक हो गया। अब इससे डिवाइड कर दीजिए 1/a μ2 / μ1 - 1 1/r1 - 1/r2, तो इसको और अच्छे फॉर्मेट में अगर आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को, तो ऐसे कर दीजिए म्यू लेंस, इसको म्यू मीडियम, इधर भी म्यू मीडियम, तो 1/f क्या लिखा जाएगा म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम माइनस वन 1/r1 - 1/r2, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए इसको लगाते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको अगर हम लोग एयर में लगाते हैं बाई कन्वेक्स लेंस के लिए तब कैसे होगा, देखिए ये प्रूफ हो गया आपका फॉर्मूला। अब बाई कन्वेक्स लेंस के लगा रहे हैं, बाई कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हुआ, r1 = r, r2 = r, फॉर्मूला एयर में रखते हैं, ये म्यू लेंस हो गया, जनरली हम लोग 1.5 लेते हैं, अब म्यू मीडियम इसको कर दे म्यू एयर 1 हो गया, तो 1/f एयर कर, तो क्या था 1/f म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम माइनस 1 1/r1 - 1/r2। तो देखिए यहाँ पर म्यू एल 1.5, एयर का 1 हो गया, मीडियम माइनस 1, और ये देखिए आपको ध्यान, ये आपका आर वन इधर होगा जब प्लस होगा तो 1/r - और आर टू देखिए इधर होगा लेकिन तो 1 - 1/r हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका इधर है तो ये आपका प्लस होगा, आर वन बराबर आर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इधर इधर आपका माइनस हो जाएगा, आर टू इक्वल टू आप यही लिख सकते हैं माइनस आर, तो ये आपका इधर होगा, एयर हो गया कितना 0.5/2/r हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, तो एफ एयर कितना होगा आर, अर्थात बाई कन्वेक्स लेंस का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। अगर इसको हम डाल देते हैं वाटर, अगर हम इसको वाटर में डाल दें तब क्या होगा, ये आपका म्यू लेंस हो गया 1.5, इसको म्यू वाटर में डाल दिए 4/3, क्या होगा फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, तो 1/f वाटर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है म्यू लेंस 3/2 और मीडियम 4/3 माइनस 1 और 2/r होगा, इसको रखिए कितना हो जाएगा 1/f वाटर, तो वाटर में फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 9/8 और इधर हो जाएगा 2/r, तो 1/f w ये हो जाएगा आपका 1/8 × 2/r, चार 1/4r हो जाएगा, f वाटर 4r हो गया, f वाटर 4 × अब देखिए r की जगह पर क्या आई है, एयर का 4 टाइम बढ़ गया, जो बाई कन्वेक्स लेंस है सम द्युत्तल लेंस जिसको कहते हैं, तो क्या होगा फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर पावर की बात करें तो पी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, पी एयर का 1/4 हो जाएगा, जितना बढ़ेगा उतना पावर घटेगा। अब देखिए एक और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए लगाते हैं, देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जैसे मान लीजिए देखिए इस तरह
आर वन बराबर आर, क्योंकि इसका एक्सेल होगा तो प्लस आर, ये आर टू कितना हो जाएगा इसके लगाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जैसा। इसको कैसे करेंगे, फार्मूला लिख देते हैं 1/f म्यू एल बाई म्यू एम माइनस वन, 1/r वन, 1/r वन बाई, इसको एफ एल कह दे तो ये तो आप देख सकते हैं म्यू लिख दिए इसका सिंपल, मीडियम में एयर लेते हैं वन और 1/r, 1/∞, 1/∞ कितना होता है जीरो होता है, तो 1/fL बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1/r, fL बराबर कितना होगा r बटा म्यू माइनस 1। अगर हम लोग कंपेयर करें इससे, ये जो था आपका एफ एल कितना था आर बटा टू म्यू माइनस वन, इसका कितना हो गया टू टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे इसका हो जाएगा आपका एफ एल बराबर टू टाइम्स, ये टू टाइम्स हो गया आपका, है ना, फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, तो ये टू टाइम्स पड़ जाता है। अब सवाल ऐसे आता है कि जिसको कट कर दें तो क्या होगा, इसका फोकल लेंथ दुगना हो जाता है, फोकल लेंथ क्या हो जाता है दुगना हो जाता है, पावर कितना हो जाता है आधा हो जाएगा, तो पी एल क्या हो जाएगा पी बाई टू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करेंगे तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस निकलेगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस निकलेगा तो क्या होगा फोकल लेंथ उसका टू टाइम्स हो जाएगा, ठीक है टू टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखिए इसका निकालेंगे आप तो ये टू इंटू एफ आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए इसको। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, शेयर लाइक कीजिए, है ना।